बच्चों, मैं शिल्पा मित्तल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस की सहायता से कक्षा सात की गणित का चैप्टर रेखा एवं कोण आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे हमारा टॉपिक है रेखा और कोण। रेखा और कोण को समझाने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, इसका पहला वर्ड क्या है? रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। और कोण, कोण को क्या कहते हैं? एंगल। लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा हमें? रेखा क्या होती है, रेखा या लाइन। देखिए, रेखा आपने समझना है, आप क्या करते हैं, रेखा एक लाइन खींच दी हमने तो ये क्या कहलाती है? रेखा। लेकिन रेखा की हमारी डेफिनेशन क्या है? रेखा वह होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। मतलब अंत बिंदु नहीं होता, इसको हम कितना भी आगे और कितना भी पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है ना। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई हमारी? रेखा की। मान लिया मेरी ये रेखा है PQ, तो इसे डिनोट कैसे करती हूँ मैं? PQ और इसके ऊपर दोनों तरफ एरो का निशान, तो ये क्या कहलाती है हमारी? रेखा। ठीक है ना। तो क्या समझा? रेखा का कोई अंत बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। रेखा। रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जिसका अंत बिंदु होते हैं, जिस लाइन का अंत बिंदु होता है। मान लो ये रेखा है हमारी, इसके दो अंत बिंदु हैं ए बी। जिसका अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और इसके ऊपर एक लाइन खींचकर, तो ये क्या कहलाता है? रेखाखंड। ए बी जिसके अंत बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। ठीक है। अब एक चीज आती है किरण। एरो। किरण क्या होता है? किरण होता है जिस लाइन का केवल एक अंत बिंदु हो, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट यहां पर केवल इसका क्या है? एक अंत बिंदु है। जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण। ठीक है। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए बी और उसके ऊपर एक तरफ एरो का निशान, ये कहलाती है किरण। ठीक है ना। रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड जिसका अंत बिंदु होता है, जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। और किरण जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण। तीनों को डिनोट करने का तरीका बता दिया लिखने का। रेखा को केवल पी क्यू, जिसके क्योंकि इसके दोनों में कोई अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ पैरों का निशान लगाएंगे, ऊपर पी क्यू के ऊपर लाइन खींचकर। रेखाखंड में क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, तो इसमें केवल एक सिंपल लाइन खींचेगी, ठीक है ना। किरण जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु मतलब इसको एक तरफ से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, केवल एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखाखंड को हम किसी भी तरफ से नहीं बढ़ा सकते और रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझा रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। अब वर्ड आता है हमारा कोण, एंगल। कोण और एंगल क्या? जो मैंने आपको तीन चीज बताई है, इन्हीं से मिलकर क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। कोण क्या कैसे बनेंगे? मान लिया कोई हमने क्या ले लिया, देखिए कोण, एंगल कैसे। मान लिया कोई आपका ये पॉइंट है, ठीक है। इससे हमने दो किरणें खींच दी, एक किरण ये खींच दी और एक किरण ये खींच दी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, दोनों किरणों का कैसा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट है। तो इस उभयनिष्ठ पॉइंट, वह उभयनिष्ठ पॉइंट जिससे अगर हम दो किरणें खींचते हैं, उसका जो झुकाव होता है, झुकाव क्या मतलब जहां से झुकी हुई है, ये है झुकाव, ये क्या कहलाता है? कोण, ठीक है ना।
तो दो किरणों के झुकाव, एक उभयनिष्ठ बिंदु से जो हमने दो किरणें खींची है उनका जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ए बी सी, बी इनका क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। ए बी और बी सी दो किरण है और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, बी है, तो ये कोण कहलाएगा बी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम एंगल बी लिख दें खाली, तो दो जो हमारा बीच में है, या क्योंकि ये बीच में जो जो कोण बीच में कोण जो होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। मान लीजिए किस किस के बीच में, ए बी सी, ए और सी के बीच में है ना, तो इसे क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है ना। या तो एंगल बी लिख दें या एंगल ए बी सी। इसे हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, अगर मैंने यहाँ पर नंबर वन डाल दिया तो इसे मैं क्या लिख दूंगी, एंगल वन। तो किसी भी कोण को डिनोट करने के, हम दर्शाने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो हम कोण क्योंकि बीच में होता है तो ए बी सी, या तो पूरा लिखें एंगल ए बी सी, या इसे खाली एंगल बी भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों को एंगल ए बी सी इस तरह लिखने में दिक्कत होती है तो उसे नंबरिंग भी दे सकते हैं। मान लिया मैंने इसे वन नाम दे दिया तो ये क्या हो गया, एंगल वन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोण। अब कोण भी हमारे कई तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, न्यून कोण होता है जो जितने भी 90 डिग्री से कम डिग्री के कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, न्यून कोण, ठीक है। 90 डिग्री से कम, मान लीजिए लाइन है, जितने भी आप इस तरह जो भी 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से तो बड़े हों और 90 डिग्री से कैसे हों, छोटे, 90 डिग्री से कैसे होने चाहिए, छोटे, ठीक है ना। 0 डिग्री से बड़ा हो, एक थीटा हमने कोण लिखा है, या तो आप यहाँ पे कोण भी लिख सकते हैं, कोण, न्यून कोण, जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है ना। तो न्यून कोण की डेफिनेशन क्या हुई, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यह क्या कहलाता है, न्यून कोण, ठीक है ना। इतनी इस तरह बनते हैं न्यून कोण, 90 डिग्री से ये सब छोटे हैं, तो ये सब आपके क्या है, न्यून कोण। जैसे आपका 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 85 डिग्री तक, 89 डिग्री तक, 90 से छोटा है ना 89, तो 89 तक जितने भी आपके कोण हैं, यहाँ से लिखते हैं एंड सोन कहाँ तक, 89 डिग्री तक, 90 डिग्री से 89.5 भी अगर हम ले लेंगे तो वो भी आपका न्यून कोण ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। इसे हम 89.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 89.9, क्योंकि वो आपका 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। तो न्यून कोण क्या हुआ, जो 90 डिग्री से कम हुआ और 0 डिग्री से ज़्यादा हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समकोण, समकोण क्या हुआ, जो कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ये इक्वली 90 डिग्री का होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। ये होता है आपका, बिल्कुल ये आपका कहलाता है समकोण, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो न्यून कोण, समकोण, समकोण में 90 से ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण आपका क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण, अधिक मतलब जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो जो अधिक कोण होता है हमारा, अधिक कोण वो बड़ा हो तो होता है 90 डिग्री से, और सॉरी बड़ा तो होता है किससे, 90 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटा होता है किससे, 180 डिग्री से, ठीक है ना। तो जो हमारा अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे आपको मैंने कहा ये 90 डिग्री का कोण है, तो इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा, 90 डिग्री सीधा हो गया, मान लें ये कोण, ये कोण क्या कहलाएगा आपका, अधिक कोण। मान लिया आपने 91 डिग्री भी लिया तो वो क्या हो गया आपका, अधिक कोण हो गया, 91 से लेकर 180, वही 180 से कम तक, 179.9 डिग्री तक,
ये आपका क्या हो गया, अधिक कोण, ठीक है ना। तो अधिक कोण क्या हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है। न्यून कोण समझ लिया, 90 से कम, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सरल कोण, सरल कोण, सरल कोण, सरल मतलब सरल रेखा, जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री मान लिया, सिंपल लाइन है, आपने अधिक कोण पढ़ा था, बाद में लाइन यहाँ पर, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो सरल कोण कितने डिग्री का होता है हमारा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है हमारा, सरल कोण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बृहत कोण, ठीक है ना। अब सरल कोण, बृहत कोण, बृहत कोण क्या होता है, देखो 180 डिग्री का हमने सरल कोण पढ़ा था, तो 180 डिग्री से ज्यादा जो बृहत कोण होता है वो 180 डिग्री से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और किससे, 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना। जो बृहत कोण होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बृहत कोण। देखिए आपने सरल रेखा पढ़ दी 180 डिग्री की, अगर इससे ज्यादा का कोण हो गया, ये नीचे ये वाला कोण, ये कोण क्या कहलाता है, बृहत कोण। बाहर का जो कोण है ये क्या कहलाया, बृहत कोण, ठीक है ना। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, जितने भी कोण रहेंगे हम ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, ये उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो ये न्यून कोण हो गया, ठीक है ना। ये जो बाहर वाला कोण है ये क्या कहलाएगा, बृहत कोण, ठीक है। तो कितने प्रकार के पढ़ लिए हमने, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहत कोण, ठीक है ना। अब देखिए, अब 360 से छोटा वेग 360 डिग्री का कोण भी तो होगा। उसके बाद आता है आपका पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण कौन सा होता है, जो कितने का, पूरे 360 डिग्री का एंगल, ये पूरा, देखो 180 में केवल आधा आया था ना, 180 आधा होता है, ये 360 में पूरा घूम जाता है, ये होता है 360 डिग्री का कोण, इसे हम कहते हैं पूर्ण कोण, ठीक है ना। तो वृत्त कोण के बाद कौन सा आ गया आपका, पूर्ण कोण, पूरे 360 डिग्री का कोण जो होता है वो कहलाता है पूर्ण कोण, ठीक है। तो ये सारे कोणों के बारे में हम घर में बैठ कर याद करेंगे कि न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, क्योंकि जब ये पता होंगे तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अधिक कोण कौन सा होता है, वृत्त कोण कौन सा होता है और सरल कोण कौन सा होता है, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड हमारा आगे कोण है, जब तक हमें ये कोण नहीं पता होंगे कितने डिग्री के होते हैं, उसके बाद हम उससे अगला टॉपिक हम उसी के बाद कर पाएंगे जब हमें ये याद होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पूरक या कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण वे कोण होते हैं जहां पर दो एंगल आते हैं, दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री, जिन दो एंगल्स का सम योग 90 डिग्री हो जाए उन्हें हम कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़कर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब 50 डिग्री और 40 डिग्री कैसे हुए, पूरक कोण हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको एक कोण दे देगा और कहेगा कि उसका कोटिपूरक कोण निकालिए या पूरक कोण निकालिए, तो कैसे निकालते हैं हम, 90 में से माइनस करके। मान लिया वो कह रहा है आपको कि 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कोटिपूरक कोण पता होगा तभी तो निकालेंगे आप, आपको पता है कि कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है,
तो अगर आपको एक कोण भी पता है तो आप क्या निकालेंगे, इसको 90 में से क्या माइनस कर देंगे, 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण, आप दोनों को जोड़ भी लीजिए, 60 और 30 कितना हुआ 90 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप उसकी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो कोटिपूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए हुए कोण को जो भी आपको क्वेश्चन में कोण दिया हुआ है उसको 90 में से घटा देंगे तो वो आपका कोटिपूरक कोण निकल जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कोटिपूरक कोणों को निकालना, तो ये आपको मैं आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इससे ही रिलेटेड है संपूरक कोण, ये तो आपने कोटिपूरक कोण पढ़ा जिनका योग कितना आता है 90 डिग्री, अब आता है संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे भी दो कोणों से रिलेशन है, जैसे कोटिपूरक में दो कोणों से रिलेशन था ऐसे ही संपूरक कोण में भी दो कोणों की रिलेशन होती है। कोटिपूरक में क्या था, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मान लिया आपका एक कोण x डिग्री है दूसरा कोण y डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लिया 150 प्लस 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 180, तो 150 प्लस 30 क्या हो गए, ये संपूरक कोण हो गए। ऐसा आप इसका क्वेश्चन भी, इसका भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, मान लिया आपको दे दिया 110 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे, वो जैसे मैंने इसमें बताया था आपको पता है संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जो दिया हुआ कोण है उसको 180 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है ना। तो जो भी आपको कोण दिया हुआ है, इसके भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप उसको भी निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको कोण दिया हुआ होगा उसको किसमें से 180 में से घटा देंगे, तो आपको जो रिलेटेड एंगल दिया है उसका क्या निकल जाएगा, संपूरक कोण निकल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप अपनी किताब में से करेंगे, तो आपको क्या किताब में से अपने आप करना है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कोटिपूरक कोण या पूरक कोण और संपूरक कोणों को आपको निकालना है, ठीक है ना। कोटिपूरक और संपूरक कोणों का आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पहली एक्सरसाइज है आपकी किताब में, तो उसे आप पूरा कंप्लीट फिनिश करेंगे। इसके बाद जो आपकी किताब का अगला टॉपिक आता है आसन कोण, क्या आता है आसन कोण, या एडिसेंट एंगल। आसन कोण क्या होते हैं, आपको भी मैंने कोण समझाया सिंपल, ये आपको मैंने बताया ये कोण है ए बी और सी, ये सिंपल कोण बताया मैंने आपको, लेकिन अगर मैं इस के कोण के बीच में एक लाइन खींच दूं इस तरीके से, ठीक है, तो जो आपका एंगल भी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो जो एक कोण बराबर बराबर बने, एडजेसेंट आसन मतलब कि जो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर बराबर मिले हुए हैं, एक लाइन इस कोण में, देखिए ये वाली लाइन इस वाले कोण के साथ भी कॉमन है और ये वाली लाइन इस वाले कोण के साथ भी कॉमन है, दोनों कोण इसी लाइन से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, तो ये दोनों कोण कैसे कोण है, आसन कोण। मान लिया इस कोण को मैं यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा आसन कोण, एंगल मैंने आपको बताया जो कोण है तो ये बी, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अभी हम खाली एंगल बी नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल बी क्या हो गया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ए है बी लेकिन एक कोण तो ये बन गया ए बी डी और एक कोण बन गया डी बी सी, तो ये दो कोण बन गए, दोनों कोण क्या है आसन कोण है, इसमें ये डी बी क्या है कॉमन है, डी बी लाइन किरण से ही ये दोनों एंगल बने हुए हैं। तो कैसे लिखा जाएगा आसन कोण, एंगल कौन कौन से बने, एंगल ए बी डी और
एंगल बी डी सी, ये दोनों कोण कैसे हैं आपके आसन कोण। अब मैंने आपको पता, कुछ बच्चों को इस तरह नाम लिखने में दिक्कत होती है, तो मैंने ये नंबरिंग कर दूं, मान ली इसे एंगल वन, इसे वन लिख दिया और इसे टू लिख दिया, तो एंगल वन व एंगल टू इस तरह भी लिख सकते हैं। एंगल वन व एंगल टू क्या होंगे, आपके आसन कोण होंगे, ठीक है ना, जो एक दूसरे से एक लाइन के थ्रू एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, ये कोण बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण। समझ में आ गया, इसमें बहुत सारे कोण बन सकते हैं। मान लिया मैं एक लाइन इसमें और खींच दूं इस तरीके से, अब मैं कहूं इसको मैंने नाम दे दिया थ्री कोण और इसको क्या नाम दे दूं ई। अब मैं पूछूं इसमें आसन कोण कौन कौन से हैं, अब देखिए एंगल वन और टू तो थे ही, अब टू के साथ कौन सी लाइन, ये बी सी, अब इस बी सी से एंगल टू भी जुड़ा हुआ है और एंगल थ्री भी, तो यहाँ पे आसन कोण कौन से होगा, एंगल टू और एंगल थ्री, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूँ ये पूरा कोण बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस लाइन को अगर मैं हटा दूँ तो ये पूरा कोण बन गया और एक ये बन गया कोण, ठीक है, तो ये पूरा कोण और ये एंगल थ्री, इसे क्या नाम दे दूँ मैं, ये लाइन भी है यहाँ पर, यह मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। मान ली इस कोण को मैंने क्या नाम दे दिया एंगल फोर, तो एंगल फोर और एंगल थ्री, या आप कह सकते हो ए बी सी और सी बी ई, ये भी आपके क्या होंगे एडसेंट एंगल, आसन कोण, एंगल ए बी सी ये पूरा कोण और एंगल सी बी ई ये भी आपके क्या है आसन कोण है, ठीक है ना। तो जो भी एक लाइन से कनेक्टेड कोण है, मान लीजिए क्योंकि इसमें बी सी कॉमन आ रही है, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे आसन कोण, ठीक है। घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी लाइन खींच के आप कोण के बीच में, तो अपने आप देखेंगे कि जो भी एक लाइन के साथ कॉमन आ रहे हैं कोण वो सब आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है सबके। घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे हैं, उसे कंप्लीट करेंगे, उसे करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका आता है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक मतलब रेखा, समझ में आ रहा है, रैखिक का मतलब रेखा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब पेयर ही होता है, पेयर आ गया वर्ड, पेयर तो दो ही का होता है, तीन का तो पेयर नहीं होता, पेयर जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, ठीक है ना, रेखा, रेखा पर बने। देखिए एडसेंट एंगल में भी दो, एडसेंट एंगल में बहुत सारे एंगल थे लेकिन वहाँ लाइन नहीं थी, वहाँ कोण था। मान लिया आपको मैंने बताया है कि जो लाइन होती है इस पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का सरल कोण होता है। अगर मैं इसके यहाँ पर इस कोण को भी बीच में कोई लाइन खींच दूँ तो 180 डिग्री का कोण किस में हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। मान लिया एक कोण ये x डिग्री का है और एक कोण ये y डिग्री का है, लेकिन हमें पता है कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, लेकिन इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। बीच में एक लाइन खींच दी, मान ली ए बी है और ये क्या खींच दी डी ई, तो डी ई खींच दी बीच में, तो 180 दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो जहाँ पर दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं रैखिक युग्म, केवल दो कोण, ठीक है ना, ज़्यादा कोण होंगे तो उसे हम रैखिक युग्म नहीं कहेंगे, ठीक है ना। रैखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री है और उसको हमने यहाँ पर एक लाइन खींच के इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं है पार्ट भी इक्वल हो, कुछ कोई कम कोई ज़्यादा, बस दोनों का योग कितना होगा 180 हो सकता है। एक कोण कितने का हो जाए 50 डिग्री का हो जाए और एक कोण कितने डिग्री का हो जाए 30 डिग्री का, लेकिन इनका योग कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म, सरल रेखा पर बना ऐसा कोण जिसको हमने एक लाइन से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 डिग्री के कोण को बीच में से, तो दो कोणों का जो युग्म है, दो कोणों का जो योग है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। इससे रिलेटेड आपकी किताब में क्वेश्चन भी हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। मान लिया देखिए एक चीज़ और समझिए इसे समझने से पहले क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180,
अगर इसको मैं लाइन पर इस तरह खींच दूँ, मान ले एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, तो कितने कोण बन गए, एक दो तीन, तो तीन बन गए, पेयर तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये बनेंगे एक ही रेखा पर बने कोण, ये टिप्पू ये है तो 180 डिग्री का ही, क्योंकि रेखा पर बना कोण है तो 180 डिग्री का ही कोण रहेगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मान लिया मैंने, ले लिया एक, आपको दे रखा है लाइन, आपको एक कोण दे रखा है 45 डिग्री का और एक कोण दे रखा है ये 52 डिग्री का, नाम लिख लेते हैं इनका पी क्यू आर एस, और आपसे पूछ लिया कि एंगल आर ओ एस निकालिए, एंगल आर ओ एस फाइंड करना है, आपको ये एंगल दे दिया 45 डिग्री, 52 डिग्री दे दिया, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए आपको पता है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, मैंने आपको बताया 180 डिग्री का, और दो कोण आपको दे रखा है, तीसरा कोण निकलवा रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए एंगल कौन कौन सा कोण दे रखा है, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर बीच में मैंने बताया जो एंगल होता है बीच में लिखते हैं, तो वो कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री। एंगल क्या दे रखा है, क्यू ओ एस कितना दे रखा है 52 डिग्री, और एंगल आर ओ एस निकलवा रखा है, तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लेकिन हम लीनियर पेयर ना लिखकर लिखेंगे, एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया आपका 45 डिग्री, प्लस आर ओ एस आपको निकालना ही है, एंगल आर ओ एस और क्यू एस कितना है आपका 52 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 97 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 180 डिग्री, और एंगल आर ओ एस निकालना है तो 97 को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री, तो घटा के लिख देंगे कितना आएगा, देखिए 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8, तो ये आपका 83 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन किताब में से देखकर कर लेंगे। एक कोण और समझा देती हूँ जो आपकी किताब में आपको क्वेश्चंस करने में आएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इस एक्सरसाइज में एक कोण और आ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, मान ले दो लाइन है, दो किरण है ए बी, दो लाइन ये ए बी और सी डी, ठीक है, दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या करती है, किसी बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन वो सीधी लाइनें होती हैं, होनी चाहिए दो सरल रेखा, तभी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, ये नहीं कि एक लाइन इस तरीके से हो गई आड़ी तिरछी आ जाए, नहीं, दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखा किस एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो उनके आमने सामने के कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मान लिया एंगल 1 2, ये 3 और ये 4, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो सरल रेखा जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उनके द्वारा जो बने हुए कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर, मतलब सम्मुख कोण। मान लिया एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है ना। तो इसका यूज आप अपने क्वेश्चंस आएंगे उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ भी इस तरह का कोण बना होगा तो वे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी मैथ की एक्सरसाइज करेंगे, पहली और दूसरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, उसका आप इनकी सहायता से सरल करेंगे। धन्यवाद।